हमारा टारगेट है कि 7 बजे पहुंच जाए, क्योंकि हमारा स्पीति का ट्रेडिशनल ट्रॉफी जो ट्रेडिशनल और यहाँ लड़कों का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सभी, होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। दोस्तों आज मैं जाने वाली हूँ ताबो मोनेस्ट्री। तो ताबो मोनेस्ट्री में ना सरकुंग निबोचेन जी है, तो हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं और साथ ही साथ जो दलाई लामा जी के देवता है उनके भी दर्शन करने जा रहे हैं हम नीचुंग। तो उनका दर्शन करने जा रहे हैं, तो बहुत ही कम से हम लोगों को नसीब होता है उनका दर्शन करना। तो अभी मेरे साथ है मासी नानी, तो मैं जा रही हूँ मासी और नानी के साथ। तो मम्मी वगैरह तो नहीं जा रहे हैं। तो अभी मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम सुबह के 4 बज रहे हैं और हमें ना 4:30 पे काजा बस स्टैंड से बस निकलती है ताबो के लिए। तो 7 बजे ना दर्शन देंगे वहाँ ताबो मोनेस्ट्री में। तो क्योंकि आज बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला है तो मैं आप सबको दिखाऊंगी। और बाकी अभी हमें बस स्टैंड के लिए निकलना है और अभी मैं तो हो चुकी हूँ रेडी, तो मासी भी हो गए हैं। तो अभी चलो चलते हैं बस स्टैंड। चल प्रियंशी, चल शिशु। यहाँ देखो हम कितनी सुबह जा रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी ये देखो। तो बाकी ये रहा टॉर्च चलाते चलाते जा रहे हैं। तो अभी तो हम पहुंच चुके हैं काजा बस स्टैंड। तो अभी यहाँ पर कुछ ही लोग हैं, मैं आप सबको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। और अभी ना बस का दरवाजा भी नहीं खोला है। तो कितने बजे पे बस? 5:05 बजे। 5 बजे बस मतलब खोलेगी तब जाके हम अंदर बैठेंगे। और 5 बजे जो है ना, 5 बजे यहाँ काजा से निकलेगी बस। तो देखते हैं कितने बजे हम पहुँचते हैं ताबो मोनेस्ट्री। ये रहा काजा बस स्टैंड और अभी कुछ ही लोग आए। ये देखो आप लोग देख सकते हैं, ये रहे मासी, ये रहे दादी, हाय चे, और ये रहे प्रियंशी को देखो, इसको लग रहा है ठंड और स्टॉल में ढका हुआ है। और यहाँ रहे नन नन, हाय चे। तो ये देखो प्रियंशी, ठंड लग रहा है, ठंड लग रहा है। हम मानी घुमा रहे, ये रहा मानी। तो अभी हम ना मानी का राउंड लगा रहे हैं, ये देखो आंटी वगैरह। और ना हमें सुबह हो गया, ये देखो, और अभी भी बस वाले उठे नहीं हैं। फाइनली इतना ठंड बर्दाश्त करने के बाद और सुबह भी हो गई, ये देखो। तो अब जाके बस स्टार्ट हुआ, ये देखो। गाइस हम बैठे हैं बस में, तो ये बस ना रामपुर जाने वाला है। तो बस पूरा फुल है, सीट भी मिला तो हम लास्ट में बैठे हैं। और पहले टिकट जो जिन्होंने दूर जाना था उनको देते हैं। बाकी बहुत क्राउड है बस में, यहाँ देखो पूरा बस फुल है। और हम बैठे हैं मैमे के साथ लास्ट में, लास्ट सीट में। पहुंच चुके हैं ताबो और यहाँ पर ना बहुत ठंडा है। मतलब काजू से नीचे से थोड़ा गरम गरम होता है, बट अभी तो फिलहाल बहुत ठंड है। और यहाँ ना धूप भी नहीं लगा हुआ है, तो अभी बस परे पहाड़ों में है धूप। तो अभी हम जा रहे हैं गोम्पा की तरफ। अभी ना इतने सारे लोग हैं, मतलब परे से यहाँ तक। अभी यहाँ देखो सब जगह में गाड़ी गाड़ी है, मतलब आज बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला है। ये रहा ताबो गेट, ग्राम पंचायत ताबो आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। तो अभी मैं यहाँ से ले रही हूँ खतक अशीष, ये रहा। तो अभी हम टेंट के नीचे बैठ चुके हैं लाइन पे। तो यहाँ पर ना लाइन वाइज बैठते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं, ये देखो पीछे। तो अलग अलग गांव से काफी सारे लोग आए हुए हैं। अभी हमें यहाँ स्क्रीन पे नीचुंग दलाई लामा जी के नीचुंग के हमें दर्शन मिल गए, आप लोग देख सकते हैं। तो दलाई लामा जी के जो नीचुंग मेमिला जी है, तो अभी वो ना सबको दर्शन दे रहे हैं। तो सबसे पहले मॉन्क्स दर्शन लेंगे और फिर जाके बुजुर्ग वगैरह, फिर जाके हमारी टर्न आएगा। तो अभी बारी बारी से दे रहे हैं सब टर्न वाइज दर्शन। तो अभी हम थोड़ी देर यहाँ टेंट में बैठे हैं, तो हमारी बारी आएगी, फिर मैं आप सबको दिखाऊँगी कैमरे में थोड़ा बहुत कैप्चर करके। और बाकी यहाँ पर ना प्रोग्राम भी होने वाला है डांस कल्चर वगैरह, तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी।
तो भी आप लोग देख सकते हैं अल्लाह सबको भी यहाँ पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को दे और आप सबको हमेशा खुश रखे। तो अभी हम दर्शन कर रहे हैं भगवान के। ये है हमारे रिम्पोचेन जी, सरपंच रिम्पोचेन जी। और अभी आप लोग ये देख सकते हैं, इसे हम स्पीति लैंग्वेज में चिलव कहते हैं। तो ये जब हम बीमार होते हैं ना, तो इसका एक दो दाना पानी में डाल के पीने से जो हम बीमार होते हैं, बीमार व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। धूप बहुत तेज है और यहाँ सबको दे रहे हैं जूस, तो हम जूस पी रहे हैं। और ये है, ये भी प्रसाद है। तो चिलव तो हम इसे सौ कहते हैं। तो ये कोंपा में सब लोगों को देते हैं प्रसाद के रूप में, और इसमें ना काफ़ी कुछ होते हैं खाने के लिए। और ये है मॉन्क डांस, तो हम स्पीच लैंग्वेज में छम कहते हैं। तो अभी लामा वगैरह छम गिपचे कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ होता है हमारे कोंपा में, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी होने वाला है फंक्शन, तो मॉन्क्स डांस हो गया, आपसे तुम देखा होगा, छम कहते हैं हम स्पीति लैंग्वेज में। तो अभी यहाँ पर ना ताबो स्कूल के बच्चे और ललित स्कूल के बच्चे लोगों का डांस है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ देखो पीछे ये रहा राजमा दाल और चावल, और ये है मटर मशरूम, और ये है लिंगड़ की सब्जी। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा भूख, तो अभी इतना कुछ खाना खा रही हूँ। खाना इतना यम्मी दिख रहा है ना। तो हमने खाना खा लिया और खाना बहुत ज़्यादा यम्मी था, तो बस ना भूख भी लग रहा था, खाना खाने में मज़ा आया। तो बाकी यहाँ देखो अभी मासी खा रहे हैं, बाकी सब ने खा लिया है। तो ये रही हमारी फौज, ये है पड़ोसी आंटी इंदिरा। तो अभी देखते हैं हम क्या कुछ करेंगे। शायद दो बस आती है यहाँ से प्लाजा के लिए, तो एक है रामपुर वाला और एक है कमपुर वाला, तो शायद हम जा सकते हैं। तो अभी देखते हैं क्या कुछ बनता है। तो बाकी जो प्रवचन वगैरह था वो तो ख़त्म हो गया है, तो अभी फिलहाल एक दो प्रोग्राम होगा ऐसे बोल रहे थे, तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। फिर मैं और यांगजुम जा रहे हैं पानी भरने के लिए, तो नल का परे है ऐसे बता रहे हैं यांगजुम। यांगजुम हाय जी, पानी आ रहा है यहाँ नलके में, तो हम दोनों ने भर दिया है। तो अभी चलो दो यांगजुम। और अभी सब लोग लंच खा रहे हैं। तो अभी मैं और मासी और जो मासी की पड़ोसी है हम जा रहे हैं गोपाल में थोड़ा ऐसे ही इधर उधर घूमने। तो आप सबको ताबो मॉनेस्ट्री और वो रहा स्तूपा। ये देखो गाइस, ये स्तूपा कितना सुंदर है, और ये देखो वेदर। तो बाकी ये सारा गोंपा है, ये सारा। तो अभी हम माने घुमाने जा रहे हैं, देखो। तो
अभी हमने स्तूपा का चक्कर तो लगा लिया, तो अभी हम जा रहे हैं, ये है ताबू मोनेस्ट्री। तो ये पुराना है मोनेस्ट्री, बहुत पुराना। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं और ये पूरा ना मिट्टी का बना हुआ है, ये देखो। तो अभी चलो अंदर चलते हैं, पूरा मिट्टी का बना हुआ है इधर जितने भी है ना, ये देखो। ये जो स्तूप है ना, ये भी मिट्टी का है, मतलब सब मिट्टी का, और काफ़ी सुंदर है ये देखो। ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये पूरा लकड़ी का है, ये देखो, लकड़ी का बिछाया बनाया हुआ है, बिछाया हुआ है ये देखो। और ये है ताबू गुम्पा। तो अभी अंदर है दर्शन करने के लिए, और बाकी रहा, और बहुत सुंदर है यार। यहाँ देखो दिए जलाया हुआ है, तो देखो बड़ा वाला दिया। बाकी उधर भी काफ़ी सारे स्तूप है, तो अभी हम बाहर निकल रहे हैं मोनेस्ट्री से। नहीं लगा पाए प्रियांशी, घुमा माने घुमा। यहाँ देखो अभी शायद और डांस है। तो अभी हम जा रहे हैं वापस। यहाँ देखो गाइस, ये टोपी का क्या प्राइस है अंकल? 3000। ये हमारा स्पीति का ट्रेडिशनल टोपी, जो डांस के टाइम और शादी में यूज होता है। 3000 बता रहे अंकल इसका प्राइस। अभी नानी कह रही कि थोड़ा यहाँ पर घूमते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये हमारे फराक में काम आता है, ऐसे लगाते हैं इन्हें। फराक लगाना दिमो दिमो दू तेरा चुजामल गोए मले कब टाउट बस पूरा प्लेन प्लेन तुम चिप चिप हम तो भी दिमुल जाना। ये देखो ये है जी, हमारे स्पीति लैंग्वेज में इसको जी कहते हैं। तो काफ़ी सारे जी है, और ये जो असली वाला जी होता है ना, ये तो असली नहीं है, बट वो बहुत महंगा होता है, कम से कम 90-80 लाख या उससे भी ज़्यादा का हो सकता है। और ये ना कीड़ा होता है, तो अभी ये तो प्लास्टिक है। राह ने ये ले लिया। चल प्रियांशी, ये जो ये दिख रहा है ना आपको, ये है ताबू सरकोंग स्कूल। तो ये देखो पोस्टर भी बना हुआ है स्पीति ट्रेडिशनल, और यहाँ लड़कों का। अभी हम जा रहे हैं काजा वापस, तो दर्शन हमने कर लिया, और बाकी अभी थोड़ा बहुत प्रोग्राम और भी है, तो हम नहीं बैठे देखने, क्योंकि हमें ना काजा जल्दी पहुँचना है। अपने नानी के घर में, तो आज मैं यहीं पर ही रुकने वाली हूँ, क्योंकि पापा आज नहीं आए हैं, पापा आज खेत में हैं, और जो बस है ना वो भी चले गया, तो अभी टाइम ना 7 बजने वाला है, तो आज मैं यहीं रुकूंगी। तो जो जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना आप लोग। तो आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।